हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी जो हमारी नवोदय स्कूल की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस प्रकार से हमें स्क्वायर स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पिछले एग्जाम में जो पूछे गए होंगे वो भी इसमें होंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अगले एग्जाम में आने के लिए वो भी आपको इसमें पढ़ाने शुरू वाले हैं। करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमें पता करना है कि 5625 का स्क्वायर रूट हमें कैसे फाइंड करना है। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताई थी कि जिसके लास्ट में 25 होते हैं तो उस 25 को जो छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है वो देखते हैं किन दो लगातार नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है। एक तो ऐसे पता कर सकते हैं जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखी उसके आधार पर, नहीं तो आप डिवीजन मेथड से, फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो फिर वो प्राइम फैक्टर मेथड है या डिवीजन मेथड है वो कोई सुइटेबल नहीं होता, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं। तो हमें क्या सीखना है कि किसी प्रकार से हम जल्दी से जल्दी इसको बता पाए। लास्ट डिजिट 5 है यहाँ पर, तो इसका 5 ही होगा, तो सभी में 5 दिया गया, तो हम इसके आधार पर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या कहा है कि 25 है तो 5 तो होगा ही, लेकिन ये किन दो लगातार नंबरों का मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें से छोटा नंबर लेना पड़ता है। जैसे 56 है तो 56 किन दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है, यानी दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई। जैसे 8 7 56 होते हैं, 8 7 7 8, जैसे हमें इसका रूट फाइंड करना है यहाँ पर 5625। तो 25 को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो हमारे पास बचा हुआ 56। 56 को ये देखना है कि हमें किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई होता है, 7 × 8, 7 8 या 56 होते हैं, और ये 25 जो होता है वो होता है 5। तो एक तो हमारे यहाँ पर 5 रहेगा और इसमें से छोटा वाला नंबर उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकला है। क्योंकि हमने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाई है वो ये है कि जिन नंबरों के लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो स्क्वायर को अगर हमने अच्छे से सीख रखा है तो स्क्वायर रूट भी हम उसका निकाल पाएंगे। तो जिस नंबर के लास्ट में 5 होते हैं उनका जब स्क्वायर करते हैं तो 25 आते ही आते हैं। इस नंबर का क्या करते हैं, ये नंबर इससे नेक्स्ट आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, तो 7 8 या 56, तो 25 का स्क्वायर करते ही आ रहा है, और इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस आपका 75 आ जाएगा। मतलब 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस 75 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। तो ये मेथड जो है सबसे सही मेथड है, बहुत जल्दी इसको आप कर भी सकते हैं। अब आप इसके डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो आप निकालते रहिएगा, प्राइम फैक्टर मेथड से भी आप कर सकते हैं, उससे भी निकल आएगा। आपको आने सभी चाहिए, क्यों कभी कभी ये होता है ये सभी में कॉन्सेप्ट नहीं लग पाते, तो हमें अतः सभी मेथड से होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसमें हमसे कहा गया है कि √98 × √72 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना ही सरल करना, लेकिन ये दोनों ही नंबर हमारे ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी नंबर के ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर √A × √B हो तो इट कैन बी रिटन एज √A × B, एक साथ भी लिखे जा सकते हैं। जब हम एक साथ लिख लेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। देखिएगा, इन्हें लिख सकते हैं 98 × 72। अब आप कहेंगे इनका मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर करेंगे या डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आपको वो भी नहीं करना है। इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली आप इनके फैक्टर कर लिए। तो इसे 2 से इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 98 के हो जाएंगे 2, यानी आप करेंगे तो 49 बचेगा, 49 को होते हैं 7 × 7। अब 72 के करिएगा, 72 के होगा आपका 2, अब बचा हमारा 36, 36 × 2 = 70, अब बचा हमारा 36, 36 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे, फिर 2 करेंगे तो 18 रह जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 के होंगे 3 × 3। फैक्टर आप जैसे करना चाहते हैं या जैसे आते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, 3 3 9 2 18 2 36 2 72। अब इनके पेयर बना लीजिएगा, स्क्वायर रूट या फैक्टर से करते हैं फिर उसके पेयर बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिए। इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बताते हैं पेयर बनाने के लिए। देखो, 2 के पेयर बन रहे हैं, एक ये है 2 × 2, और 7 का पेयर बना हुआ है, 2 का एक पेयर और भी है 2 × 2, 7 का पेयर बना हुआ है और 3 का भी पेयर बना हुआ है। इसका रूट लेने के लिए सभी में से एक एक डिजिट बाहर ले लीजिएगा, इससे 2 वहां, इस पेयर से 2 वहां, इससे 7 वहां, और इससे 3 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और 7 3 = 21, 21 4 = 84। तो जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा जाकर वो निकलेगा जाकर के 84, ये हमारा ऑप्शन है। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी था, एक कि आप इतना ना करके थोड़ा कम में भी कर सकते थे, जैसे हमारे पास है 98 × 72,
इट कैन बी रिटन एज 2 × 49 और 72 कैन बी रिटन एज 2 × 36। अब आप देखिएगा ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इनको आगे फैक्टराइज करने की हमें जरूरत नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 2 बाहर। कहने का मतलब ये है, देखिएगा ये 2 का पेयर हमारा बन ही रहा, या 2 2 जहां 4 लिख दे तो और आप बेहतर समझ पाएंगे, इंटू 49 इंटू 36, ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अर्थात ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर ऑलरेडी हैं। तो जब परफेक्ट स्क्वायर है उनके स्क्वायर रूट लिए जा सकते हैं, 4 का हो जाएगा 2, 49 का 7 और 36 का 6, आप इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 84। ठीक, बहुत से तरीके हैं जिनसे हम सवाल को कम समय में कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइम फैक्टर मेथड से पूरा करेंगे या डिवीजन मेथड करेंगे तो वो टाइम कंज्यूम करने वाले तरीके होंगे। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3। इन द सेम वे हमें 3 भी करना, क्योंकि जो रूट के अंदर 162 188 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो देखिएगा फिर कैसे, क्वेश्चन 3 हमको गिवन है रूट 162 अपॉन रूट 188। जैसे अभी हमने लिखा था रूट ए इंटू रूट बी हो, इट कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू बी। इन द सेम वे अगर रूट ए अपॉन रूट बी हो, इट कैन बी रिटन एज रूट ए अपॉन बी। आप एक साथ ले लीजिए, मल्टीप्लाई है तो, डिवीजन है तब भी लिखा जा सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसा हम नहीं कर सकते कि दोनों को एक ही रूट के अंदर हम ले ले नहीं ले सकते। तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं रूट 162 अपॉन 188, यहाँ पर 188 ना होकर कि यहाँ पर 288, तो 100 से क्वेश्चन नहीं होगा 288। अब देखिएगा इसको हमें करना, आप कटिंग करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट अभी लेने के चक्कर में ना रहे। अगर हम 2 से ही कटिंग करते हैं तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यानी ये हो जाएगा 81 टू या 162 और ये हो जाएगा 144। तो रूट के अंदर हमारे नंबर आ गए हैं 81 अपॉन 144। अब इस प्रकार से तो कटिंग की जा सकती है, लेकिन आप यहाँ कटिंग अभी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर बचे हैं अभी आपस में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी के स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब है वो ऐसे नंबर है जो किसी के स्क्वायर है। जैसे अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 15, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं यहाँ पर 16 तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब होता है। तो ये 9 का स्क्वायर है तो आप यहाँ 9 पुट करते हैं, ये 12 का स्क्वायर है पर आप 12 पुट करते हैं। अभी भी कटिंग हो रही है इनकी तो वो कर सकते हैं आप 3 से, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, तो ये आंसर आ गया आपका 3/4। लेकिन आप जाकर कभी यहीं और कटिंग कर दें तो आप करके देख लीजिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे बन गए थे तो हमने उनका स्क्वायर रूट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखो यहाँ पर भी डिवीजन हो रहा है तो 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चन वो एक ही कैटेगरी के हैं, यहाँ भी हमको उसी प्रकार से करना पड़ेगा, लेकिन ये तो एक रूट के अंदर ऑलरेडी है। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, 4 को 4 इस प्रकार से हमारा 10089 डिवाइडेड बाई 121। ठीक, दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हैं ये, लेकिन इट कैन बी रिटन एज 10089 अपॉन 12। हमें ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, जिस नंबर के लास्ट में 9 है उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो 3 7 आने का मतलब है ये नंबर हमारा देखिएगा 900 से ज्यादा है। अगर मान विधि से भी हम स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं कि 300 से, जैसे 30 के स्क्वायर करते हैं हम, 30 का स्क्वायर होता है 900, इसका मतलब 30 से तो बड़ा है ये, और अगर हम 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता 1600, इसका मतलब 40 से छोटा है। 40 से छोटे हमारे पास दो ही नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में या तो 3 आ रहा हो या 7 आ रहा हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आ सकता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आ सकता है, लास्ट डिजिट में हमने ये बताया था। अगर यूनिट प्लेस के डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो या तो ये 33 का स्क्वायर है या फिर 37 का स्क्वायर। अगर 37 का स्क्वायर ये होता तो नियरेस्ट टू 1600 1600 के करीब में होता, लेकिन ये 1600 बहुत कम अंतर पर, ये 1000 में है और ये 1600 ज्यादा हो जाते, तो ये निश्चित रूप से 33 का ही स्क्वायर होगा और ये हम जानते हैं 11 का स्क्वायर।
तो 33 अपॉन 11 इक्वल टू 3 हमारा आंसर है, इसको ऑप्शन नहीं दिएगा 3। तो इस प्रकार से देखो हम ये कर सकते हैं, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। एक क्लास हमने ये पढ़ाया है कि जिनके लास्ट में लास्ट डिजिट का बताया, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर हो जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 के लिए 4 हो जाता, 3 के लिए देखो 9 आता, और 7 के लिए 9 आएगा। तो 2 डिजिट के लिए देखो 9 आ रहा था, तो ये चीज आप सीख सकते हो जिनके लास्ट में कौन कौन से डिजिट हो, 2, 3, 7, 8। अगर ये डिजिट किसी लास्ट यूनिट पे यानी यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अभी हम कैसे बता पाएंगे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है, जो आपके स्तर तक के सवाल आएंगे यानी क्लास 6 में जो आपका जेएनवी में टेस्ट का होगा, वो आपके 1 से लेकर 30 तक अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको 30 से ऊपर की संख्याओं के भी स्क्वायर याद करने पड़ेंगे या जरूरत होगी। लेकिन 1 से 30 तक की संख्या अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, ये 9 है, इसका मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में 3 होगा या 7 होगा। तो 17 का ये हो नहीं सकता, 7 के लिए 17 का हो नहीं सकता, क्योंकि 17 ये 15 है तो 17 का इससे ज्यादा होगा, निश्चित रूप से ये 13 का है। ये 4 है, यहाँ पर ये 2 होगा या 8 होगा, 18 का है ना, 18 का 324 होता तो 3 हो गया 12 का। और ये लास्ट में 5 है तो 5 वाली कॉन्सेप्ट हम चेक करके देख सकते हैं, 25 भी हमें दिख ही रहे तो 5 होना ही चाहिए। अब बचा 2, 2 किन दो लगातार नंबरों का मल्टीप्लाई होता है, 1 × 2, दैट इज छोटा नंबर लेके चलेंगे 1, इनका एडिशन कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 25 − 15 = 10। 0.04 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देखिएगा 0.04 का हमें स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो इसमें क्या होता है, 4 का तो 2 होता है, ठीक है, लेकिन जितने यहाँ पर 0.5 डिजिट है उसके हाफ डिजिट रह जाते हैं, जैसे 0.2 डिजिट है तो 1 रह जाएगा, यानी सिंगल 2। अगर मान लीजिए हमें इसी प्रकार से स्क्वायर रूट ये पूछा गया होता, 0. इसका स्क्वायर रूट हमसे पूछा गया होता तो हम क्या बताते, तब भी 4 का तो 2 ही रहेगा, लेकिन 0.5 डिजिट कितने आने वाले, कितने डिजिट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो आधे डिजिट रह जाएंगे यानी 2, एक तो ये आएगा, एक 0 को इंक्रीज कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे नंबरों के स्क्वायर रूट फाइंड करें। नेक्स्ट है 7। 7 में भी देखिएगा सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही हैं, लेकिन वो पॉइंट में गिवन है, तो कैसे कर पाएंगे हम इनको, 6 ये क्वेश्चन है, मैं इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो देखिएगा सभी नंबर परफेक्ट, अगर इनके सबके हम पॉइंट हटा दें तो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही है, अगर हमारा पॉइंट लगा भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 1 अगर 3 का 13 का स्क्वायर होता ही, 13 का स्क्वायर होता 169, और 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा जा करके 1.69। यहाँ पर एक डिजिट है तो स्क्वायर में 2 डिजिट होंगे आपके पास। तो अब हम इसका जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3, ये 5 का स्क्वायर होता है लेकिन 0.2 डिजिट है, तो एक डिजिट हमारा बचेगा। यहाँ 12 का स्क्वायर होता है लेकिन 1.2 डिजिट है, तो 1.2 अभी यहाँ होना चाहिए। ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ 2 डिजिट है, एक यहाँ रहना चाहिए। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, या ये कहिएगा कि हम पूरे में ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा जैसे, लेकिन उतना मत करिएगा फिर पूरा और कठिन लगने लगेगा आपको, इनका डायरेक्ट एडिशन कर दीजिएगा। मान लीजिए 1 रुपये 30 पैसे, 50 पैसे है, ये हो गए 1 रुपये 80 पैसे, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ बचेगा 0.6 यानी ओनली 60 पैसे। तो पॉइंट से देखो पॉइंट हमारा रिलीज हो जाएगा 180/60, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 3, 6 × 3 = 18, ठीक, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो, ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में भी क्या दिया गया हमारा, 12/√320, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा ये किसका स्क्वायर हो सकता है, लास्ट में 4 है तो 4 या तो 8 के लिए आएगा या 2 के लिए आएगा, तो 2 के लिए आने के लिए मतलब ये संख्या आएगी किस रेंज में, ये आएगी हमारी 11 से अधिक होना चाहिए और 19 से कम होना चाहिए, यानी 20 से कम होना चाहिए। एक तरीके से आप ऐसे मान लो चलो 100 से ऊपर है और 20 से कम है, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 10 और 20 के रेंज में आ रही, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो इसके बीच में ही आ रही है। अब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आता है, 4 या तो 2 होगा
या फिर 8 होगा, 8 का स्क्वायर होता 64, देखो लास्ट में 4 आया, 2 का स्क्वायर होता 4, तो ये 4 आया, तो यहाँ पर लगा दीजिए 1, यहाँ पर लगा दीजिएगा 1, 12 का स्क्वायर बना, नेट 44 होता है जो कि ये रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से किसका स्क्वायर है, 18 का। तो ये आ गया 12 upon 18 प्लस 12 upon 18, ये 12 का है, ये आ गया आपका डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएंगे 24 upon 18, 6 4 जा और 6 3 जा, यानी 4 upon 3। अगर आपको ये याद है तो बहुत जल्दी आप इनको कर पाएंगे, इतना रिटन वर्क करने की जरूरत भी नहीं है। और समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 into 72 into 105 upon 48 into 315, और इधर लिखा हुआ रूट एक्स, यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। से देखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को कैंसिल आउट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ऊपर ही सभी नंबरों को हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर इन सब का मल्टीप्लाई करें तब जाके करें, तो आप कर चुके समझ, कभी नहीं होने वाला। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये 105 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 315 सीधे सीधे हमें दिख रहे हो रहे, 5 के 3 गुने 15 होते, 100 के 3 गुने 300 होते। देखो ये इसमें इसकी टेबल 3 टाइम्स कम्प्लीटली जा रही है, 3 की टेबल में ये आ रहे हैं 6 टाइम, 6 की टेबल में 48 आ रहे हैं 8 टाइम, 6 8 या 48 48, और 8 की टेबल में 72 आ रहे हैं 9 टाइम्स, 8 में 72। कहने मतलब हमारा आ गया रूट एक्स इक्वल टू आ गया 9, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर स्क्वायर रूट लगा हुआ है ऑलरेडी, मतलब एक्स की चीज इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर, कहने मतलब है दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी। ये इधर जब वर्ग करते हैं किसी नंबर का, स्क्वायर रूट लगा हुआ फिर उसका भी हम आपस में स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो स्क्वायर ही केवल हट पाता है, तो इधर आ जाएगा x, और ये 9 का स्क्वायर 81, ये स्क्वायर ही क्यों हटा, इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिएगा। ये जो पावर इस प्रकार से लिखी होती है x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं x पावर 1/2, जो रूट की पावर होती है 1/2 होती है, इसलिए अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 हमने और लगा दिया। अब किसी नंबर की पावर की भी पावर हो, यानी घात की भी घात हो, तो होता क्या है आपस में इन नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, इस प्रकार से किसी नंबर पर ये रूट लगा हुआ है, और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ही केवल हटेगा, उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ रूट 5, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो केवल 5 बचेगा, यहाँ लिखा हुआ रूट 6, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल आपका 6 बाहर आ जाएगा, समझ चुके होंगे आप। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है 133 माइनस 89 प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ 24 into 25 into 4, तो 100 लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको, तो उसे आप सीधा सीधा यहाँ पर 100 लिख दीजिए। हमें सॉल्व करना है इनका डिफरेंस कितना, यार एक तरीके से ये 100 से अगर 89 को खर्च करेंगे तो 11 बचेंगे, 33 ये है तो ये 44 बच गया, 44 प्लस 100 है तो रूट के अंदर हमारा आ गया 144। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो 12 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर या 144 का स्क्वायर रूट निकालना ही आ रहा है, तो ये बचा हमारा 12। इन द सेम वे 12 क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, रूट एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 के भी है, हमें क्या करना है 16 का यहाँ डिवीजन है, तो कोई नंबर जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं यानी इक्वल टू के उधर इधर लाते हैं तो उसकी जो क्राइटेरिया होती है वो चेंज हो जाती है, जैसे ये डिवीजन में तो उधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा होता तो एडिशन हो जाता, एडिशन हो रहा होता तो सब्ट्रैक्शन हो जाता, तो ये रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 into 16 upon 8, देखो डिवीजन थे मल्टीप्लाई पहुंचेगा, 8 से आप इनको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, रूट एक्स इक्वल टू 15 to 30 आ गया। अब देखो वही स्थिति हमारी यहाँ पर भी आ गई, वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ, तो हमारा काम क्या होगा दोनों तरफ का स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 30 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और हमने ये बता दिया अगर आपका रूट लगा स्क्वायर करेंगे तो केवल स्क्वायर रूट ही हट पाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 9 100, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 0 का 2 0, ठीक,
तो इस प्रकार से 12 क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन 13। अब देखो 25 का ना स्क्वायर रूट फाइंड करें, अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ 525 दिया गया, निश्चित रूप से 5 ही आएगा यूनिट प्लेस। अब बचा हमारा 6। अब हमें ये देखना है कि 6 किन दो ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई होता है जो क्रमागत है, कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी जैसे 2 × 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, इसमें छोटा वाला नंबर ये आपका इसका स्क्वायर आ गया। 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है हम सब जानते हैं, 4। बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे इसको हम भाग कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ये सवाल 100% इस प्रकार का आता ही आता है, तो देखिएगा इसको। तीन क्वेश्चन हमको ये गिवन है, 1260, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, लेकिन वो कह रहे किस नंबर से इसको डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करने ही पड़ते हैं, यानी इसके फैक्टर करेंगे जब तो ये हो जाएगा 630, फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 350, फिर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 105, फिर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और फिर अब करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 7, और करेंगे 7 से आ जाएगा 1। हम ये मान के चले आपको प्राइम फैक्टर करने आते होंगे, ठीक, नहीं आते हो तो आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। तो देखिएगा जो हमारे फैक्टर आए वो ये आए 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। यहाँ से दोनों ही चीजें आपके समझ में आ जाएंगे, अगर वो भाग देने के लिए कह रहे हैं या मल्टीप्लाई करने के लिए भी कहते, दोनों के लिए हमें यही करना पड़ता। यहाँ पर डिवीजन करने के लिए हमसे कहा गया, और अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता तब भी हमें यही करना पड़ता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन अभी डिवीजन के लिए कहा गया तो किससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, देखिएगा जिनके पेयर नहीं बने हैं वे नंबर हटा दीजिएगा। डिवाइड करने की बात करें, डिवाइड कर दो, पेयर किसका नहीं बना? 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दो। पेयर किसका नहीं बना? 7 का, तो 7 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर ये नंबर हमारे हट गए, जो नंबर हमारा बचा हुआ है वो देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 4 है, ये 9 है, यानी 36। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा, इस प्रकार से कर सकते। अगर वो ये कहते नहीं हमें तो मल्टीप्लाई करके बताइएगा कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, 35 से डिवाइड किया, तो 35 से ये मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जिन नंबर के पेयर नहीं बने हैं जैसे 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 7। यहाँ 5 का पेयर नहीं बना, यहाँ 7 का पेयर नहीं बना, तो इनके पेयर बना देंगे, बस एक मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और एक मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। देखो ये भी हमारे पेयर बन गए, अब भी जो नंबर बन के तैयार होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये तो आ ही रहा था इतना, 4 × 9 और इंटू ये हो गया हमारा 25 × 49। सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, देखा जो मल्टीप्लाई भी निकलेगा जाकर के वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। तो हमसे डिवाइड करने के लिए कहा जाए चाहे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, दोनों हमें एक ही काम करना है। डिवाइड में वो नंबर हटा देंगे जो अनपेयर्ड है, जिनके पेयर नहीं बने हैं, और मल्टीप्लीकेशन में उनके पेयर बना देंगे जिनके पेयर नहीं बने हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का हमें वर्गमूल चाहिए। तो 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे? हमें निकालना 8 का स्क्वायर रूट। तो 8 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 × 2। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑलरेडी ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 होकर के। अगर स्क्वायर रूट से किसी नंबर को बाहर लेना परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लेके बाहर हम ले पाएंगे। जैसे ये 4 है तो आप जगह स्क्वायर रूट से 4 बाहर ले नहीं कर आएंगे, इसका स्क्वायर रूट लेके 2 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? ये वाला 2 हमारा बच गया, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। अब देखिएगा इसका क्या करें रूट 2 का। तो रूट 2 के लिए हम आपको बता रहे हैं कि रूट 3 है, रूट 2 है या रूट 3 है, इनके स्क्वायर रूट आपको याद कर लीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति में कभी आते हैं तो। रूट 2 का होता 1.414 और रूट 3 का होता 1.732। एक तो ये तरीका हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 × 2 का रूट यहाँ पुट कर देंगे 1.414, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.828, ये 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन से आपको करना हो तो वहां भी देख लेना 2 point something आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो कहने मतलब है 8 का जो स्क्वायर रूट है 2 और 3 के बीच में कोई नंबर पड़ेगा जाकर। अगर ऑप्शन आपको गिवन हो तो ऑप्शन से भी आपसे कर सकते हैं।
ठीक नहीं, अगर आप ऐसे समझ में आता तो फिर तो डिवीजन मेथड से आप इसके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो कि अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में बताने की आपको कोशिश नहीं की। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको हम यहाँ 17-18 क्वेश्चन में बताने वाले हैं। 17 समझ क्वेश्चन का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्योंकि ये देखो 5 डिजिट है इसमें, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, इसका हम इसकी आपको ऑप्शन भी बता दे रहे कि ये ऑप्शन 17 क्वेश्चन की ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिए गए होंगे। अब आप देखिएगा कि इसमें डिजिट कितने हैं, 5 है, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। वो कैसे होंगे, अगर ऑड नंबर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऑड नंबर अगर है, तो एक एडिशन करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, यानी स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। और अगर मान लो 6 डिजिट होते तब भी उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट ही होते, तो इसका मतलब 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसमें 3 डिजिट होंगे, 3 अंक होंगे, तो 2 अंक वाला नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बचे ये 2 ऑप्शन से कैसे सवाल हल करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट होती है। बहुत से सवालों को हम ऑप्शन से कर पाते हैं, हमें कोई उसमें, अभी डिवीजन मेथड से हम करते रहे उससे अच्छा ऑप्शन देके फटाफट कर दें। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट क्या होती है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है कि ये ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस पर 1 ही होगा। किसी नंबर के लास्ट में जैसे 1 है, जैसे मान लीजिएगा ये 11 है, इसके लास्ट में देखो 1 है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। ये 21 है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 441, देखो लास्ट में 1 ही आया। ये हमारा 41 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता 16/81, देखो लास्ट में 1 ही आया। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट होगा, ऐसा नंबर निकलेगा जिसका भी यूनिट प्लेस पर 1 ही होगा। अब हमारे पास 2 नंबर लिखे हैं जिनके एक के यूनिट प्लेस पर 1 है इसके, तो निश्चित रूप से इसका ये सवाल का जवाब ये 1, 5, 1 ही होगा। तो एक तो ये हमने ऑप्शंस कर दिया। अब आप कहो नहीं, कहीं ऐसे 2 नंबर आ गए तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ भी बंद होता है, यहाँ भी बंद होता है, बिल्कुल आ जाएंगे, हम नहीं कहते नहीं आ सकते, आ सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टर मेथड से या जो भी आपके पास तरीके होंगे उनसे आप सोल्व करिएगा। तो एक हम आपको डिवीजन मेथड से करके इसका रूट निकालना सिखाते हैं। जैसे हमारा यही नंबर है 2, 2, 8, 0, 1, इसका हम डिवीजन मेथड से इसका रूट फाइंड करते हैं। तो इधर से हम पेयर बनाते हैं राइट हैंड की तरफ से, ये 2, 2 की पेयर, 1, 2 का पेयर नहीं बना हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। ये करते हैं फर्स्ट टाइम आप स्क्वायर करके ही टेबल पढ़ते हैं, यानी एक ऐसे ही नंबर की टेबल पढ़ेंगे जो 2 में ही पढ़ेंगे लेकिन स्क्वायर करके टेबल पढ़ने का मतलब होता है 2, 2 या 4, 1, 1 या 1, 3, 3 या 9, 4, 4 या 16, 5, 5 या 25, 6, 6 या 36, 7, 7 या 49, 8, 8 या 64, ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना होता है और फर्स्ट टाइम ही पढ़े केवल 1 बार। तो हमारे पास तो यहाँ 2 या 3 पढ़ेंगे, 3, 3 या 9 हो जाएगा, तो 3 के तो नहीं पढ़ सकते, हमारे पास केवल क्या बचा 2 के पढ़ेंगे तो 2, 2 या 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 या 1 पढ़ेंगे, 1, 1 या 1। और इतनी जगह लिख देंगे हम, इनका इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 1 ही बचेगा। एक पेयर पूरा कंप्लीट यहाँ ले लेंगे और इनका करते हैं एडिशन, थोड़ी जगह छोड़ के रखते हैं क्योंकि अभी हमें एक नंबर यहाँ लिखना है। अब देखो हमें स्क्वायर करके टेबल अब नहीं पढ़नी, अब हमें करना है डिवीजन। तो यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल कितने टाइम पढ़े, 12 में जाएगी 6 टाइम, अगर 6 टाइम यहाँ पढ़ते तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो ये भी देखना पड़ेगा इससे ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि 26, 26, 6 जा 26, 5 जा कितने होते हैं, 130 होते हैं, तो नहीं जाएगा, यानी केवल जाएगा हमारा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स, 5, 5, 5, जो भी नंबर हमने लिया उसको 3 जगह तो हमें लिखना है। देखो 5, 5, 5, यहाँ इसका करते हैं मल्टीप्लाई करके तो यहाँ रख दीजिएगा और एडिशन करके यहाँ रख देंगे, जैसे एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, कितना बच गया सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3, पेयर फिर उतार लीजिए। अब यहाँ पर डिवाइड करिएगा इसका, 30 का भाग 30 में देंगे 1 बार, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ रखिएगा 301, यानी 301 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 301, एडिशन करेंगे 302 आ जाएगा, लेकिन वहाँ आगे नंबर नहीं, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 1, 5, 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक और हमारे पास है, तो 18 क्वेश्चन हमारा ये है, हम यहाँ भी लगाते हैं कुछ, शायद ऑप्शन एक आध मिल जाए ऑप्शन से भी, या ऑप्शन हमारे कम हो जाए, कभी कभी क्या होता है चलो जल्दबाजी में समय नहीं बचा तो किसी पे टिक कर दो, तो किस पे टिक करें, कम से कम गलत पे तो ना ही टिक करें, जिसके होने के चांस हो उस पर टिक करें कम से कम, पता चला जो दिख रहा था ये हो ही नहीं सकता हम उसी पे टिक करके आए तो क्या मतलब रहेगा तुक्का लगाने से, तो कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग तुक्का भी लगा के आ जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ 6 है, जिसके लास्ट में 6 होता है उसका स्क्वायर रूट में भी 6 ही रहेगा, क्योंकि 6
या तो फोर के लिए आता है या फिर आता सिक्स के लिए। जैसे फोर के लिए क्यों आता है, जैसे फोर का हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आया, 16। देखो यूनिट प्लेस पे 6 आया, या मान लीजिए हमने 14 का स्क्वायर किया तो ये आता 196। देखो लास्ट में 6 आया, तो अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 4 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 600% आ जाएगा, और 6 ही है अगर तब भी 6 आया। देखिएगा 6 के लिए अगर 6 का हम करते हैं तो 36 आ रहा, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 होता, देखो इसमें 6 आ रहा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट लेने पर या तो 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, तो 4 का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। पर इसका मतलब ऐसा कोई नंबर का ये स्क्वायर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 4। 8 का तो हो ही नहीं सकता, कम से कम इसे तो हम हटा ही दें। अब हमारे पास 3 बचे ऑप्शन, अब 3 के लिए कौन सा हो सकता है, हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं, कहने मतलब है इन नंबरों की टेबल में ये नंबर आ रहा होगा, इसी की टेबल में ये नंबर आ होगा। एक हमारे पास डिजिट सम भी होता है, डिजिट सम से अगर हम देखें निकाल के चलो उसे भी चेक कर ले तो आपका उससे मिल जाए। डिजिट सम का मतलब होता है कि हमें इन अंकों का सम करना है, और जो 9 हो जाते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, जैसे ये 6 और 3 मिलके ये 9 हो रहे हैं, इनको छोड़ देंगे हम, जैसे ये 6 और 3 9 हटा दीजिएगा, और इसी प्रकार से 7 और 3 10, 10 का 1 हो गया, 1 वो और 1 ये 2 7, यानी इसका जो सम आ रहा है वो हमारा आ रहा है 9, 9 या 0। अब इसमें देखो किसका 9 आ रहा होगा, एक तो ये 9 आ रहा है, ठीक। अब इसमें देखिएगा किसी का 9 आ रहा है, 6 5 11 और 7 2 9, ये भी 9 आ रहा, और 6 12 ये 3 आ रहा। अब ये भी हमारा नहीं होगा, देखिएगा इनका जो सम आ रहा है डिजिट का सम, 5 1 6 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, 12 को आपस पेयर करेंगे तो इसका डिजिट सम आ रहा है 3। कहने मतलब ये और ये दो हमारे नहीं हो सकते। अब हमारे पास बचे हैं ये दो वाले ऑप्शन, या तो ये इसका ऑप्शन है या ये, देखो 50-50 वाली लेफ्ट लाइन में लिखी है, हमने देखा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी ऑप्शन आता है 50-50, इसका मतलब होता भी है दो गलत ऑप्शन हटा दो, दो सही वाले हमारे सामने रख दो तो हो सकता हम बता पाए। देखो दो गलत वाले ऑप्शन हमारे ये हट गए, और हमारे पास बचा 5 7 6 और 2 1 16। ये बड़ा नंबर है, हम गैस करके लगा रहे, देखो ये बड़ा नंबर है, ये 216 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, देखिएगा कहां तक जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये 576 का ही स्क्वायर होगा। तो जल्दबाजी में अगर आपको तुकबंदी भी करनी है तो आप इस पर करके आएंगे, ठीक। चलो एक तो ये हो गया हमारा सेकंड थॉट हो गया कि हमने इससे भी निकाल लिया है। चलो देखते हैं इसका हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये हमारा 3 3 1 7 7 6 पेयर बनाते हैं, सबके पेयर बने हैं, फर्स्ट पेयर में स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हैं, जैसे 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 36 से तो ये नंबर कम है तो 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 5 25। ये तरीका है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का। यहाँ हमने सबट्रैक्शन किया तो हमारा कितना बच गया, 8। इनका सम करते हैं 10 होगा, एक अंक छोड़ के रखें क्योंकि एक अंक हमें भी रखना है, एक ही बार स्क्वायर करके टेबल पढ़ते, अब नहीं, अब पेयर बता लें। देखो पहला अंक हमें पूरा करने की जरूरत है, देखो 5 आ गया, 5 यहाँ आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा, फिर भी देखो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम एक बार अपने को संतुष्ट करने करने के लिए कर रहे हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, 5 आ गया तो देखो 5 आ रहा है, अब हमें इससे आगे करने की जरूरत नहीं, तब तो टिक कम से कम कर ही सकते हैं। तो हमारे पास सवाल करने के बहुत से तरीके होते हैं, वो कब आएंगे जब हम सवालों को करेंगे अभ्यास में लाएंगे। चलो पूरा करते हैं, अब 10 की टेबल पढ़ते हैं 18, तो 10 8 या 18 हो जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 को यहाँ लिखेंगे, 7 को यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, 7 7 या 49, तो 49 पूरे रख दो, 7 1 7 और यहाँ इनका एडिशन करके रख दो, 107 में 107 और जोड़ेंगे 114 में, इनका सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा तो 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 6, क्योंकि 80 में से 74 जाएंगे 6 बचेंगे, एक पेयर हमारे पास और बचा हुआ है वो पूरा ले लेते हैं यहाँ पर। अब 11 की टेबल पढ़ते हैं, इसमें तो हमारी निश्चित रूप से 6 बार जाएगी, 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ, 6 का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ रखो, 6 6 36, 6 4 24 और 3 27, कैरी 2, 11 6 66, दो कंप्लीट नंबर आ गए। तो देखिएगा ये हमारे पास तरीके थे जिससे हम इस सवालों को कर सकते हैं। डिजिट सम एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें पता।
होनी चाहिए। थोड़ा हम आपको डेट्स बारे में बता दें, उसके बाद करते हैं इस क्लास को। जैसे हमने अंकों का योगफल निकाला था, तो जैसे इसका 9 आ रहा था, तो इसका भी देखो 9 ही आएगा। 6 5 11, 11 का वापस 2 हो जाएगा, 7 2 9, इसका भी 9 आया था, और 1 और 9 आया था, इसका भी 9 आया था। तो हमने कहा इन दोनों में से एक जवाब होना चाहिए, लेकिन हमने फिर और गैस क्या लगाया, ये नंबर छोटा है, इसका इतना स्क्वायर नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से 576 का ये स्क्वायर होगा। लेकिन क्या हम 100% सेटिस्फाइड थे? नहीं थे। तो हमने क्या किया, स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो फर्स्ट डिजिट जैसे मिल गया हमें, तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। हमारा अभी ही पूरा करने की हमें फिर भी जरूरत है, क्योंकि कॉपी नहीं लिखनी हमें, तो ऑप्शन बता दें। बात करते हैं डीएस, यानी डिजिट सम, डीएस शॉर्ट में डीएस बोलते हैं, वैसे इसका उत्तर डिजिट सम, यानी अंकों का योगफल। अंकों का योगफल से मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, 11 का मल्टीप्लाई 12 किया, 132 आया। अब 11 का डिजिट सम कितना है, 2, और 12 का डिजिट सम कितना है, 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इधर का डिजिट सम 6 आना चाहिए, देखो 1 3 4 और 2 6, ये होता है डिजिट सम। अब निकालते कैसे इसको समझिएगा, हम डिजिट सम फाइंड कैसे करें, बहुत ही फास्ट और सरल तरीके से। जैसे कोई नंबर हमने लिख दिया, ये इनका डिजिट सम फाइंड करना, डिजिट सम फाइंड करने का मतलब होता है वो नंबर 9 से डिजिट है या नहीं, केवल ये मतलब होता है और कुछ नहीं। तो जो नंबर 9 हो रहे हैं उनको छोड़ दो, जैसे 5 4 9 हो रहे हटा दो, 6 3 9 हो रहे हटा दो, 8 1 9 हो रहे इनको हटा दो, हमारे पास बचा केवल इसका डिजिट सम 8 है, अर्थात ये नंबर 9 से डिजिट नहीं है। लेकिन जब 2 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 3 2 6, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये डिजिट सम। तो बहुत फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। जिनका 9 हो रहा है वो हम छोड़ते चले जाते, जैसे आप एक एक करके सबका करेंगे तो टाइम लगता है, ठीक। तो इस क्लास में हमने सीखा, डिजिट सम भी सीखा है, और स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना सीखा है। इस क्लास में इतना ही।